मस्त मस्त दोनों मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन। तो ये चावल आज मैं खीर बनाऊंगी, तो मेरी रेसिपी था लोगों से शेयर करूंगा। तो चावल एक इधर पहले मैं भिगो के छोड़ दिया, वो टाइम हो गया कम कम 30 मिनट तो ही, तो भी मैं बॉइल कराऊंगा। तो चावल ज़्यादा बॉइल करूँगा ना 50%, यानी कि आधा पका लिया, थोड़ा पानी डाल के। तो चीनी, कस्टर्ड और एक इलायची और चिटकी, देखो मैं कितनी सुनी साइज में काटी हूँ चिटकी है, सारे की मैं पहले तैयारी कर रख ली। और देखो चावल उबल गया, तो अभी कढ़ाई टेक लिया, तो आज जैसे मन गाथ ना लगा इतना खीर बनाया खाने का, थोड़ा थोड़ा सूख जा डालूंगा। पानी ज़्यादा हो गया मेरे चावल उबाल लिया, और मैं थोड़ी सी दूर हो जाऊँ अपना पानी खीर। इसके अंदर बिल्कुल पास में चलाइए, इंसान थोड़ा मेस मेस कर लिया चावल में, फिर बहुत अच्छी लगा खीर। ये चावल बनाना मेरी फेवरेट खीर बनेगी, थिक बहुत रहेगी। कस्टर्ड डाल दिए इसके अंदर, इसे मिक्स कर लेंगे। चावल की क्वांटिटी कम रखना, शिवानी ने बहुत ज्यादा रखी है। ये मेरी खीर थी इसे मैं कुक करने वाली थी, तो ये अलग ही दाजी बनती थोड़ी सी। देखो क्या हुआ, ये कस्टराइजेंट हो गया ना। अभी हम इसके अंदर इलायची डाल देते हैं, और ये तो मुझे बहुत पसंद चीज़ है, अभी डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। ऐसे मैंने मिक्स करने वाले टाइम में मिक्स किया नहीं, पर अब कर देते हैं। तो ये देखो खीर बहुत अच्छी लग रही है मुझे देखने में, तो तो हम इसके अंदर थोड़ी सी सूंप डालेंगे, जल्दी से इसके अंदर चीनी डालो, फिर मैं इसे बातें बताती हूँ, खाके बताती हूँ कैसी बनी है। दो मिनट अच्छे मिक्स करते रहो थोड़ी देर, से थिक थिक खीर अच्छी लगती है। अभी हम इसके अंदर चीनी डालेंगे, थोड़ी और डालेंगे, इसे मिक्स कर लो, थोड़ा सा पकाएंगे बिल्कुल अभी। ये घूमने सा क्या हो गए, तो ये देखो ठीक ठीक जैसे मैं चाहती थी वैसे मैंने बिल्कुल ठीक की भंडारा मिला नहीं वैसे भंडारा लिखी रहा मार डे रहा मिला इसे दादी दादी की ये खीर कुछ इस तरह की दिखाई दे रही है। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। तो आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं, और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक प्लीज़।